कयामत की एक निशानी अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी बयान फरमाई, औरतों के लिबास के अंदर बेहयाई आ जाएगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा, दो किस्म के लोग मेरी उम्मत में ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। कौमुन माहुम सियातुन काज़ना बिल बकरी यद्रिबून बिहन नास, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों को मारेंगे। अल्लाह के रसूल ने तमसीली अंदाज अपनाया है, मिसाल की एक बात कही है। कोड़े का मतलब कोड़ा ही नहीं होता है, मतलब ताकत होगी। इंसान के पास पावर है और पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो इस हदीस में शामिल होगा, वो इस हदीस की कैटेगरी में है। उनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे, यज़रिबून बिहन नास, वो लोगों को मारेंगे। وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ, और मेरी उम्मत की जो दूसरी कैटेगरी जो जहन्नम में जाएगी, ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। जानते हो, औरत अपने घर में अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने बेटे के सामने, अपने शौहर के सामने, अपने घर में जब औरत रहे तो वो दुपट्टा कैसे रखे, अल्लाह ने कुरान में दुपट्टा रखने का तरीका भी औरत को बताया। وَلْيَزْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دو ان کے دوپٹے ان کے گریبانوں پر ہونے چاہیے۔ غور کرو, اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہماری نظر میں ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ عورت کا دوپٹہ کہاں رہنا چاہیے, مگر اللہ نے اس کو اتنی بڑی بات قرار دیا کہ اپنے کتاب کا اپنے کلام کا ایک حصہ بنایا اور بتایا کہ اے ایمان والی عورتوں, تمہارا دوپٹہ تمہارے گریبانوں پر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیو, तरक्की करो, पैसा कमाओ, अच्छे मकान बनाओ, अच्छी जिंदगी गुजारो, मगर तरक्की का यह मतलब नहीं है कि आपके घर की औरतें ऐसे कपड़े पहने कि कपड़े पहनने के बावजूद उनका बदन नजर आ रहा हो। आज हमारे और आपके घरों में हमारी बहनें और बेटियां, हमारे घर की औरतें आज ऐसे लिबास पहन रही हैं, माफ कीजिएगा, शरीयत जिनकी इजाजत नहीं देती है, शरीयत की नजर में ऐसे कपड़े जायज नहीं है। अगर वो कपड़ा पहनने के बावजूद औरत का जिस्म नजर आ रहा है, उसकी पीठ नजर आ रही है, उसका पेट नजर आ रहा है, उसके कदम नजर आ रहे हैं, उसका जिस्म नजर आ रहा है, तो वो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी है वो औरत, और वो औरत इस हदीस की कैटेगरी में आएगी। भाई मुबारकपुर और बनारस तो कपड़ों के लिए मशहूर है ना, हम लोग तो कपड़ा बनाने वाले लोग हैं। अल्लाह के रसूल के जमाने में कपड़ा तैयार होता था, रेशम का कपड़ा मिस्र में, व्हाइट कलर का बेहतरीन सिल्क तैयार होता था, उस कपड़े को कुबतिया कहा गया हदीस के अंदर। एक मरतबा मिस्र के बादशाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गिफ्ट के तौर पर वो कुबतिया कपड़ा भेजा। रसूल अकरम की आदत थी, आपके पास जब कोई गिफ्ट आता था तो वो आप किसी और को गिफ्ट कर देते थे आमतौर से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कपड़ा अपने सहाबी हजरत उसामा इब्ने ज़ैद, जो आपके बड़े चहेते सहाबी थे, उनको गिफ्ट कर दिया। दो तीन रोज के बाद हजरत उसामा आए, अल्लाह के रसूल ने पूछा, उसामा क्या बात है, कपड़ा मैंने तुमको दिया था तुमने पहना नहीं। कहा, या रसूल अल्लाह, वो कपड़ा मैंने अपनी बीवी को दे दिया। अब अल्लाह के रसूल जानते थे वो कपड़ा थोड़ा पतला है, बारीक है, ट्रांसपेरेंट है। अब अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया हजरत उसामा को, जरा उस पर हम और आप गौर करें। मुस्नद अहमद की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए उसामा, मुरहा अंतजाला तहतहा गिलालतन, अपनी बीवी से कहो कि जब वो कपड़ा वो पहने तो उसके नीचे अस्तर लगा ले, इनर लगा ले। ला तजूजु लिलमराति अन तलबसा सौबन, औरत के लिए जायज नहीं है कि वो ऐसा कपड़ा पहने, यसिफु हजमा इजामिहा, जो उसकी हड्डियों कि शेप को जाहिर करे। ऐसा कपड़ा औरत ना पहने जिससे उसकी हड्डियां पता चले। आज हमारे यहां ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं और हमारी औरतें ऐसे कपड़े पहन रही हैं कि वो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी है। इस हदीस की रोशनी मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतों का एक और कारनामा है, वो दूसरों मर्दों को, वो अजनबी मर्दों को अपनी तरफ माइल करती हैं और खुद भी माइल होती हैं, बेहया होती हैं और बेहयाई की तरफ बुलाती हैं। ला यदखुलनल जन्ना, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रीहा, ऐसी औरतें तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, जबकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आती है। मेरी माँ और बहनों, अगर आप वाकई में इस हदीस को सुनने के बाद भी अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर क्या कहा जा सकता है। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू से भी दूर रखा जाएगा ऐसी बेहया औरत। अपनी छोटी छोटी 7-8 साल की बच्चियों को बचपन से ट्रेंड करो, उन्हें सिखाओ
कि हां मैं एक मुसलमान औरत हूं और मेरा कपड़ा मेरे बदन को ढांपने वाला होना चाहिए, मेरे बदन को जाहिर करने वाला नहीं होना चाहिए। पर्दा वो चीज है जिसकी ट्रेनिंग बच्चों को बचपन से दी जाए। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, अचानक लोग बहुत ज्यादा मरने लगेंगे। कोरोना के दौर में तो हमने ये चीज बड़ी अच्छी तरीके से देख ली। मुस्नद अहमद की रिवायत आप फरमाते हैं, मिन इक्तराब सात यूर हिलाल कबल, कयामत की एक निशानी ये भी है कि चांद बड़ा नजर आएगा, पहली तारीख का चांद, हत्ता युकाला लैलतैन, यहां तक कि पहली तारीख का चांद ऐसा होगा लोग कहेंगे ये दो दो दिन का चांद है, दो तारीख का चांद है ये। वो अंत तखल मसाजिद तुरुका, और कयामत की एक निशानी ये भी है कि मस्जिदों को शाहराह बना लिया जाएगा, मस्जिदों को रास्ता बना लिया जाएगा, मस्जिदों को पेशाब और पखाना करने की जगह बना लिया जाएगा। मस्जिद के बगल में एक आदमी की दुकान है, इस्तिंजा करने के लिए मस्जिद में आता है, उसी मस्जिद में हय्या अला सला की आवाज आती है, दुकान पर बैठा रहता है। जरा सोचो ये हदीस फिट हो रही है कि नहीं हो रही है। वो अंत तखजल मसाजिद तुरुका, मस्जिदों को रास्ता बना लिया जाएगा, मस्जिदों को रह गुजर बना लिया जाएगा। वो यज़हर मौतुल फजा, और कयामत की निशानी ये भी है कि अचानक बहुत ज्यादा लोगों को मौत आएगी। बीमार होने की खबर आती है शाम को और सुबह को इंतकाल की खबर आती है। कोरोना के दौर में बड़ी तादाद में हमने ऐसे जनाजे देखे, और ये नहीं कि सिर्फ 60 साल वाले 70 साल वाले दुनिया से गए, 30 साल का आदमी है, 35 साल का आदमी है, चलता फिरता बात करता कारोबार करता, बीमार पड़ा, डॉक्टर क्या क्या ऑक्सीजन की कमी हो गई, इंतकाल कर गया, चलते फिरते लोग मर रहे हैं। ये भी कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने बयान की। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान की, उम्मत मुहम्मदिया अपने से पहले की उम्मतों के तौर तरीके को अपना लेगी। लततबिउन सुनन मन कान कबलकुम, बुखारी के अल्फाज अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम जरूर चलोगे अपने से पहले के लोगों के तरीके पर। शिबरम बिशिबरिन, वो एक बालिश्त चलेंगे तो तुम भी एक बालिश्त चलोगे। वज़राअम बिज़राइन, अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जुहरा सब्बिन, अगर वो किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तबे तुमून, तो तुम उनकी नकल करोगे, उनके पीछे पीछे बिल में चले जाओगे। आज कितने मुसलमान हैं, बिहार की सरजमीन पर अभी मैं गया, वहां लोगों ने बताया धनतेरस के दिन मुसलमान औरतें, पटना के अंदर लोगों ने बताया कि मुसलमान औरतें मार्केट में जाती हैं और ये तसव्वुर और ये धारणा ये अकीदा बना के जाती हैं कि आज के दिन कुछ ना कुछ लेकर के जाना है, झाड़ू ही सही खरीद करके जाना है। कितने गांव हैं मुसलमानों के जहां आज गैरों के साथ रहते रहते उनके कल्चर को उनके त्योहारों को हमने अपना लिया है। हमारे कितने मुसलमान भाई सोशल मीडिया पर गैर मुस्लिमों के वो त्योहार जो सरासर मुशरिकाना त्योहार है, जिसमें शिर्क किया जाता है, जिसमें उनके मजहबी जो माबूद होते हैं उनके उनकी वो इबादत करते हैं, और हमारा मुसलमान भाई ये भाईचारा को दिखाने के लिए कहता है कि आपको आपका ये त्योहार मुबारक हो। मेरे भाई, भाईचारा होना चाहिए, जरूर हिंदू मुस्लिम में इत्तेहाद होना चाहिए, मगर इत्तेहाद ये अकीदे से कॉम्प्रोमाइज करके नहीं होना चाहिए। और मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं, लोगों का दिल मुबारकबाद देकर के और मिठाई लेकर के और देकर के नहीं जीता जाता, लोगों का दिल जीता जाता है उनके काम आकर के, उनके सुख दुख में उनके काम आकर के, उनके साथ इंसानियत करके, उनके साथ अच्छा सलूक करके उनका दिल जीता जाता है। कितनी ऐसी चीजें हैं मुसलमानों में जो दूसरों की हमारे यहां, जो कुरान में यहूदियों का तरीका बताया गया, उनके उलमा तौरात की आयतों को छुपा लेते थे, आज मुसलमानों में वो चीज आ गई। सही बात है, आलिम को पता है, मगर उसके मुरीदों का दरवाजा बंद ना हो जाए, उसका हल्के इरादत कमजोर ना पड़ जाए, उसके पेट की दुकान बंद ना हो जाए, जान बूझ करके हक बात को छिपाने वाले उलमाए सूबी सुम्मत के अंदर मौजूद हैं। यहूदियों के बारे में कुरान ने कहा वो सूद खाते थे, वो हराम खोर थे, आज वो चीजें हमारे अंदर भी आ गई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम अपने से पहले की उम्मतों के तरीके पर चलोगे और बिल्कुल वैसे ही चलोगे जैसे वो चलते थे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, क्या यहूदो नसारा के तरीके पर चलेंगे? आपने फरमाया तो और किसकी बात कर रहा हूं, यहूदो नसारा के तरीके। कयामत की एक निशानी ये भी है, दुनिया से इल्म को उठा लिया जाएगा और जहालत का दौर दौरा होगा, और जो काम आलिम को करना चाहिए वो जाहिल लोग करेंगे। चार किताबें पढ़ ली, चार वीडियो सुन लिए, इंटरनेट पर चार साइटों का मुताला कर लिया, बहुत बड़े अल्लामा फहामा बन गए। अब जनाब वो
क्वेश्चन एंसर सेशन भी हैंडल कर रहे हैं, वो सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, वो घरों और मस्जिदों में बैठकर दर्स भी दे रहे हैं, वो लोगों को फतवे भी दे रहे हैं, वो जायज और नाजायज भी बता रहे हैं। यहां तो इमाम मालिक जैसा अपने दौर का इतना बड़ा मुहद्दिस 40 सवाल पूछे जाते हैं तो 39 सवालों के जवाब में इमाम मालिक कहते हैं ला अदरी, मैं नहीं जानता, आई हैव नो नॉलेज, मुझे पता नहीं है। 39 बार ला अदरी कहकर के 40वें मसले का जवाब देते हैं। इमाम मालिक को तो ये एहसास नहीं हुआ मैं 39 सवालों का जवाब नहीं दे रहा हूं, लोग मुझे कैसा समझेंगे, लोग मुझे छोटा मोटा आदमी समझेंगे, लोग मेरे इल्म के ऊपर शक करेंगे। अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ इतना था कि 39 सवालों का जवाब नहीं दिया। ये उस इंसान का हाल है जिसकी पूरी जिंदगी कुरान और सुन्नत को पढ़ने पढ़ाने में गुजरी है, और आज वो लोग जिन्होंने ना किताबों को पढ़ा है, ना उनका असातिज़ा से कोई ताल्लुक रहा है, ना उन्होंने मदरसों का मुंह देखा है, ना इल्म हासिल करने के जो प्रॉपर तरीके उन प्रॉपर तरीकों से उन्होंने इल्म हासिल किया है। हाँ, चार किताबें पढ़ ली, इंटरनेट पर चार साइटें देख ली, मुफ्ती बन गए, फतवे देने लगे, सवालों के जवाब देने लगे। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, ये भी कयामत की एक निशानी है। इन मिन अशरातिस साअति अन यस्कुतल जहलु, वो कयामत की एक निशानी ये भी है कि जहालत फैलती चली जाएगी, जहालत फैलती चली जाएगी। वयुरफाल इल्म, और इल्म उठा लिया जाएगा। और इल्म कैसे उठेगा? सही बुखारी की 100 नंबर की हदीस में अल्लाह के नबी ने इल्म के उठने का तरीका भी बता दिया। इल्म दुनिया से कैसे उठेगा? आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यंतज़िरुल इल्म इंतज़ाअन यंतज़िरुहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़्बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को उठा लेगा, उलमाए रब्बानी दुनिया से चले जाएंगे, कुरान और सुन्नत के जानकार उलमा दुनिया से चले जाएंगे। फिर लोगों की पगड़ियां देख करके, लोगों के यूट्यूब के ऊपर उनके व्यूज देख करके, फेसबुक पर उनके उनके फैन फॉलोइंग देख करके उनसे सवालात किए जाएंगे, उनसे फतवे पूछे जाएंगे, फिर इल्म इल्म नहीं रहेगा, फिर क्या हालात होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे इत्तखज़न नास रुकूसन जुहाला, फिर इंजीनियर को लोग अल्लामा बना लेंगे, एडवोकेट को लोग अल्लामा बना लेंगे, लोग वो इंसान को जिसकी फील्ड इल्म दीन नहीं है उसको इल्म दीन का माहिर बना लेंगे, उससे फतवे पूछेंगे, फदल्लू व अदल्लू, और वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को